फतेहाबाद के भोड़िया खेड़ा कन्या महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को कंडक्टर के द्वारा बस से नीचे उतारने और बदतमीजी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आज छात्राएं रोडवेज जीएम के पास पहुंची और अपनी शिकायत सौंपी। छात्राओं का कहना था कि प्राइवेट बस के परिचालक के द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई। उन्हें कहा गया कि पहले सवारियां बस में चढ़ेंगी, उसके बाद अगर जगह बचती है तो छात्राएं बस में आ सकती हैं। गौरतलब है कि छात्राओं के द्वारा बस पास बनवाया गया है, जो कि प्राइवेट बस में भी मान्य है, लेकिन प्राइवेट बस संचालक अपनी मनमर्जी के चलते इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं। इन छात्राओं की मांग है कि बदतमीजी करने वाले परिचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। हुआ जी आपके साथ? अंकल, हम यहाँ बस स्टैंड पकड़े हुए थे, भोड़िया से आए थे हम, लेकिन काफी समय के बाद यहाँ पे बस आई, हमें चढ़ने दिया। पहले तो कनेक्टर के मालिक ने हमसे बदतमीजी से बात की है, लेकिन बाद में ना कनेक्टर ने बदतमीजी से बात भी की और पकड़ कर भी उतार दिया बस से नीचे, और बोलने लगे जल्दी बस में चढ़ जाना। इसलिए तो आप भोड़िया कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ। तो कब का मामला है ये? 29 तारीख 29 मार्च का। हाँ। तो किस टाइम आए थे और बस किस टाइम आई थी, कुछ थोड़ा सा अंदाजा? 2:30 पे उतारा। कहाँ गया था आपको? यहीं पे लाल बत्ती चौक। तो क्या बात? हाँ, 20 में उतारा। तो बात क्या हुई थी, कोई थोड़ा सा बता सकते हैं? ऐसे बोले, पहले सवारी को चढ़ने दो, पहले सवारी को चढ़ाएंगे, फिर बाद में जगह बची तो चढ़ जाना, वरना मना हो जाएगा। तो कोई बदतमीजी करी थी? जब बदतमीजी की है हमारे साथ। किसने की है? कनेक्टर ने। क्या नाम है उसको, कोई नाम पता है? नहीं। तो शिकायत किसको दी है जी आपने? सीएम को। जीएम। जीएम को, रोडवे डिपो के जीएम को दी है। तो कोई वार्तालाप के लिए कोई उनके तरफ से कोई आया हो? बस के मालिक। कब आए थे जी वो? अभी। तो उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की कनेक्टर को, या कुछ कह रहे थे? कनेक्टर का बचाव करते नजर आए हैं। सिर्फ कनेक्टर का बचाव किया। क्या नाम है जी आपका? अंजू। आप बेटा जानकली क्लास ही हो क्या तीनों? ठीक है, ये मेरे को मैं लाइव करता हूँ बेटा, बिल्कुल। किसको शिकायत दी आपने? मैं लाइव नहीं कर रहा, रिकॉर्डिंग साहब को दी है। और यहाँ आरटीए को, सभी को एक एक कॉपी दी।